आरसीबी ने जिसे निकाला उसे पंजाब किंग्स ने अपनी टीम का बनाया मुखिया। आईपीएल 2024 के लिए पंजाब किंग्स ने उठाया बहुत ही बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2023 में विराट कोहली वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन कुछ सही नहीं रहा था। आरसीबी की टीम पिछले 4 सीजन में जब पहली बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी तो उसे 6वें स्थान पर आने के बाद रिव्यू करके आरसीबी के हेड कोच के पद से संजय बांगड़ की छुट्टी कर दी थी, जिसके बाद अब पंजाब किंग्स ने संजय बांगड़ को आईपीएल के आगामी सीजन 2024 के लिए टीम का विकास प्रमुख नियुक्त किया है, जिससे 7 साल बाद एक बार फिर से संजय बांगड़ की पंजाब में वापसी हो गई। आपको बता दें संजय बांगड़ की बात करें तो साल 2014 में वह पंजाब किंग के असिस्टेंट कोच थे, तब पंजाब की टीम रन अप रही थी। इसके बाद संजय को जब हेड कोच नियुक्त किया गया था तो पंजाब किंग्स की टीम तालिका में निचले स्थान पर रही। इस तरह साल 2016 के बाद एक बार फिर उसकी पंजाब किंग में वापसी हो गई। वहीं संजय बांगड़ ने जारी हुई प्रेस रिलीज में पंजाब किंग के दोबारा जुड़ने के बाद कहा कि किंग्स के साथ एक बार फिर से जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। संजय बांगड़ पंजाब किंग की टीम के मुख्य कोच ट्रेवर बेलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। ये दोनों अब 19 दिसंबर को होने वाले आईपीएल वॉक्सन में साथ मिलकर प्लानिंग बनाएंगे। आरसीबी के लिए 3 सीजन में संजय बांगड़ ने काम किया। संजय बांगड़ इससे पहले आरसीबी के बल्लेबाज सलाहकार थे और उसके बाद अगले 2 सीजन के लिए उन्हें हेड कोच का नियुक्त किया गया था, लेकिन आईपीएल 2023 के बाद संजय बांगड़ को निकाल दिया गया। अब वह पंजाब किंग के साथ काम करते नजर आएंगे। तो दोस्तों आरसीबी ने संजय बांगड़ को निकाल के सही किया या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना।